दोस्तों, करीब 91 साल के टेस्ट, 49 वर्षीय वनडे और 18 वर्षीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट ने दुनिया को कई महानतम क्रिकेटर दिए, जिन्होंने न सिर्फ अपने दम पर भारत का सम्मान बढ़ाया बल्कि दुनिया में भी उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई। टीम इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास अब सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान हमारे मन में आया कि चलो 1932 से लेकर आज तक के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ महान खिलाड़ियों को ढूंढा जाए। और जब हमने इसकी खोज शुरू की तो यूं तो हमारे सामने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उमड़ आए, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ 25 क्रिकेटरों को ही चुना। तो चलिए आपको भी बताते हैं भारतीय क्रिकेट इतिहास के 25 महानतम क्रिकेटरों के बारे में। लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ या नानिक अमरनाथ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाया था। वे भारत के पहले ऑलराउंडर थे जिन्होंने बल्ले के अलावा गेंद से भी अपने विरोधियों की नाक में दम किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा साल 1991 में खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। विजय मर्चेंट। विजय मर्चेंट ने 1929 से 1951 के बीच भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेले। उनका अंतरराष्ट्रीय करियर बहुत लंबा नहीं था, फिर भी अपने करियर में वो दो बार भारत के इंग्लैंड दौरों पर खेले और इसी दौरान उन्होंने 800 रन बना डाले। उनका घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें उन्होंने 71.65 की औसत से रन बनाए और ये क्रिकेट इतिहास का दूसरा सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान है। मंसूर अली खान पटौदी। 21 साल और 77 दिन की उम्र में मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए। कई वर्षों तक दुनिया के सबसे कम उम्र के कप्तान रहे। बाद में जिम्बाब्वे के ततेंदा तैबू ने मई 2004 में इस रिकॉर्ड को तोड़ा। पटौदी ने 16 साल की उम्र में अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू किया था। एक कार एक्सीडेंट में अपनी बाईं आंख में कांच लगने के 6 महीने बाद ही उन्होंने अपने करियर के खत्म होने की भविष्यवाणी को खारिज करके क्रिकेट जगत में वापसी की और जबरदस्त प्लेयर के रूप में उभरे। विजय हजारे। विजय हजारे 1951 से 53 के मध्य भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत दिलाई थी। साल 1960 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। विनू मांकड़। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज भी विनू मांकड़ को क्रिकेटर पंकज रॉय के साथ 1956 में की गई रिकॉर्ड 413 रन की ओपनिंग साझेदारी के लिए याद किया जाता है। 52 सालों तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका। विनू उन चंद क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने पहले से लेकर आखिरी तक हर नंबर पर बैटिंग की। 1973 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मुख्यतः बाएं हाथ के परंपरागत गेंदबाज थे। उन्होंने भारत के लिए 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला। वे फेमस भारतीय स्पिन चौकड़ी का हिस्सा भी थे। उन्होंने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की। बेदी को हमेशा एक रंगीन पटका पहनने और बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। अपने 67 टेस्ट मैच के करियर में उन्होंने कुल 266 विकेट लिए। इरापल्ली प्रसन्ना। प्रसिद्ध भारतीय स्पिन की धमाका के दाल चौकड़ी का हिस्सा इरापल्ली प्रसन्ना ने 4 टेस्ट में 25 विकेट लिए तथा भारत को प्रथम ओवरसीज जीत हासिल कराने में सफलता दिलाई। भारत ने 1967-68 में यह सीरीज न्यूजीलैंड के विरुद्ध जीती थी। गुंडप्पा विश्वनाथ। गुंडप्पा विश्वनाथ एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 1967 में अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच में 230 रन बनाए थे। उन्होंने 91 टेस्ट मैचों में 9000 रन बनाए, जबकि उन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले जिसमें 1975 और 1989 के वर्ल्ड कप भी शामिल हैं। दिलीप वेंगसरकर। दिलीप वेंगसरकर भारत के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में एक समान प्रसिद्धि हासिल की। कुछ वर्षों के लिए इन्होंने भारतीय क्रिकेट दल के कप्तान की भूमिका भी निभाई। वे 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे। जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 4 विश्व कप में भाग लिया। उन्होंने क्रिकेट के 2 प्रारूपों, एक दिवसीय 319 और टेस्ट मैच 236 में कुल मिलाकर 555 विकेट लिए। वे वनडे क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने विश्व क्रिकेट में 3 बार एक वर्ष में 1000 रन, 34 शतक, 9000 से अधिक रन, सर्वाधिक शतकीय भागीदारियां एवं प्रथम श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाए। वे 100 कैचों का कीर्तिमान भी इंग्लैंड में बना चुके हैं। सुनील गावस्कर को 1975 में अर्जुन पुरस्कार और 1980 में विजडेन से सम्मानित किया जा चुका है। वे अपनी कप्तानी में भारत को एशिया कप और बेसेंज और हेजेस कप जीता चुके हैं।
कपिल देव। भारत को 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव का पूरा नाम कपिल देव राम लाल निखज है। विजडेन ने 2002 में उन्हें सदी का भारतीय क्रिकेटर चुना। कपिल ने 225 एक दिवसीय और 131 टेस्ट मैच खेले। एक दिवसीय क्रिकेट में उन्होंने 23.79 की औसत से 3783 रन बनाए तथा टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 31.05 की औसत से 5248 रन बनाए। तेज गेंदबाज के तौर पर उन्होंने एक दिवसीय मैचों में 253 और टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट लिए। 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई उनकी 175 रन की पारी हमेशा के लिए याद की जाएगी। मोहम्मद अजरुद्दीन। मोहम्मद अजरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे। अजरुद्दीन ने अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत 1984-85 में इंग्लैंड के विरुद्ध की थी। उन्होंने 99 टेस्ट मैचों में 45.03 की औसत से कुल 6215 रन बनाए। इसमें 199 रन का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा। अजरुद्दीन ने टेस्ट मैचों में 22 शतक और 21 अर्धशतक लगाए। अजहर ने 334 एक दिवसीय मैचों की 308 पारियों में 54 बार नाबाद रहते हुए 36.92 की औसत से कुल 9378 रन बनाए। इसमें नाबाद 153 रन उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा। अजरुद्दीन ने एक दिवसीय मैचों में 7 शतक और 58 अर्धशतक भी लगाए। अनिल कुंबले। अनिल कुंबले भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये जिम लेकर के बाद विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लिए। अनिल के सम्मान में कर्नाटक के बेंगलोर में एक सबसे मुख्य चौराहे को अनिल कुंबले चौराहा का नाम दिया गया है। भारत की ओर से 500 विकेट लेने वाले वे पहले गेंदबाज हैं। रवि शास्त्री। बतौर गेंदबाज करियर शुरू करके बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में उभरे क्रिकेटर रवि शास्त्री आज के दौर में भी जाना पहचाना नाम है। रवि शास्त्री ने 150 वनडे और 80 टेस्ट क्रिकेट मैच खेले। उन्होंने टेस्ट मैचों में 3830 रन और वनडे में 3108 रन बनाए। रवि शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सचिन सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। वे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं। साल 2008 में वो पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। उन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में सर्वाधिक शतक बनाए। टेस्ट क्रिकेट में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले वे विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। वे एक दिवसीय और टेस्ट मैचों में 100 शतक बनाकर शतकों का शतक बना चुके हैं। सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। वे एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में 5वें स्थान पर हैं और 10,000 रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी और सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। क्रिकेट पत्रिका विजडेन के अनुसार वे अब तक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाजों में 6ठे स्थान पर हैं। हरभजन सिंह। अपनी खास स्पिन बॉलिंग स्टाइल दूसरा के लिए फेमस हरभजन सिंह का क्रिकेट करियर काफी शानदार पर विवादों से भरा रहा। 103 टेस्ट मैचों में 417, 236 वनडे मैचों में 269 और 28 टी20 मैचों में 29 विकेट लेने वाले हरभजन सिंह कभी एंड्रयू साइमंड्स के साथ मंकी गेट विवाद और कभी साथी क्रिकेटर श्री संत को थप्पड़ मारने के लिए चर्चा में रहे। राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार के लिए पहचाने जाने वाले राहुल द्रविड़ को दी वॉल कहा जाता था। वे भारत के सफलतम कप्तानों में से एक रहे। जहीर खान। जहीर खान भारत के मध्यम गति के तेज गेंदबाज रहे। उन्होंने 92 टेस्ट मैचों में 311, 201 दिवसीय मैचों में 282 और 17 टी20 में 17 विकेट लिए। युवराज सिंह। युवराज सिंह ने टी20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे और 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। उन्हें सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है। युवराज सिंह को विश्व कप 2011 में अहम भूमिका निभाने के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। रविचंद्रन अश्विन। नवंबर 2011 में टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू करने वाले रविचंद्रन अश्विन सबसे कम मैचों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने इरापल्ली परसन्ना, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की थी। सबसे कम मैचों में 50 और 100 टेस्ट विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड भी अश्विन के ही नाम है।
महेंद्र सिंह धोनी। माही के नाम से फेमस भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियों पर कब्जा जमाया। धोनी की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2007, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का खिताब जीत चुकी है। रोहित शर्मा। वर्तमान समय में टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा आज भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 43 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने तीनों ही फॉर्मेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया। 50 टेस्ट मैचों में 3,437 रन, 243 वनडे मैचों में 9,825 रन तो वहीं 148 T20 मैचों में 3,853 रन बनाने वाले रोहित शर्मा आज वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। टीम इंडिया उन्हीं की कप्तानी में इसी साल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 खेलेगी। हम कामना करते हैं कि टीम इंडिया यह वर्ल्ड कप जरूर जीते और रोहित शर्मा का नाम भी उन कप्तानों में शुमार हो जिन्होंने अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता हो। विराट कोहली। रन मशीन के नाम से मशहूर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बिना इस लिस्ट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब तक अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 75 शतक लगाने वाले विराट कोहली ने जो कामयाबी की नई इबारत लिखी है वे कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। आज वे दुनिया के महान बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर के वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र 4 शतक दूर रह गए और मुझे लगता है कि वे इस रिकॉर्ड को जरूर ब्रेक करेंगे। विराट कोहली ने अब तक 109 टेस्ट मैचों में 8,479 रन, 274 वनडे में 12,898 रन तो वहीं 115 T20 मैचों में 4,008 रन बनाए हैं। Yeah.